कोस कोस पर बदले पानी, हर चार कोस पर वानी, और हम हैं भारत के उस कॉर्नर में जहाँ कहते हैं खम्मा घणी। हम हैं राजस्थान के सुनहरे शहर जैसलमेर में, जहाँ मनाया जा रहा है मरु महोत्सव, और इस महोत्सव को हर साल माघ के महीने में मनाया जाता है। तो क्या कहते हो, पधारोगे हमारे देश हमारे साथ? वेलकम टू जैसलमेर। माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि उनका ही कोई उत्तराधिकारी त्रिकुटा नामक पहाड़ पे अपना राज्य बसाएगा। एंड देन एज इट इज बिलीव्ड इन 1196 द प्रेडिक्शन केम ट्रू व्हेन अ किंग नेम रावल जैसल एस्टैब्लिश्ड हिज किंगडम इन जैसलमेर। बहुत धूमधाम से इस नए राज्य की स्थापना की गई एंड सून दीज सेलिब्रेशंस वर कन्वर्टेड एंड आर नाउ सेलिब्रेटेड एज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, द जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। मरु महोत्सव जितना रंगीन है उतनी खूबसूरती के साथ इसे मनाया भी जाता है। पता है इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन है, जैसे टर्बन टाइंग कॉम्पिटिशन, मूमल महेंद्र कॉम्पिटिशन, मुस्टाश कॉम्पिटिशन, मिस मूमल कॉम्पिटिशन, टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन जो फॉरिनर्स और इंडियंस के बीच होता है, कैमल डेकोरेशन कॉम्पिटिशन और कबड्डी मैच जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन। जाना ये सब क्या है, चलो मेरे साथ। Definitely has a lot to offer to everyone. Although the city has been bustling for these 3 days due to the festival, there's a lot more to do in and around the city. जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं क्योंकि पूरे सिटी में सैंडस्टोन बहुत पाया जाता है। जब इस सिटी पे सनरेज पड़ते हैं तो पूरी सिटी सोने सी चमकती है। और जब इस सिटी के बीचों बीच एक मजेस्टिक पैलेस हो, तो जैसलमेर सिटी पैलेस, और वो पूरा सैंडस्टोन से बना हो, तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने हम भी आए हैं यहाँ पे जैसलमेर सिटी पैलेस में। Locally called the Sonar Kila, the Jaisalmer City Fort is India's only living fort. It houses shops, hotels and ancient havelis where generations continue to live. Even today, 1/4 of the city's population continues to live in the fort. Most of the houses in the fort are still inhabited except for the king's and queen's quarters. They have been converted into a museum to give an insight of life in the golden era. The fort has a splendid view overlooking the present-day city and the desert beyond. किले से बस कुछ ही दूर है जैसलमेर में बांधी गई दूसरी हवेली, पटवों की हवेली, विच टुक 60 इयर्स टू बिल्ड। 19th सेंचुरी में पटवा गुमनमाल बाफना ने 5 हवेलियां बांधी अपने 5 बेटों के लिए, बट ऑन द आउटसाइड दे लुक लाइक वन सिंगल ग्रैंड हवेली। दे आर ब्यूटिफुली कार्व्ड, एम्बेडेड एंड पेंटेड टू गिव अ मजेस्टिक लुक। जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो अपने रिच कल्चर को प्रमोट करते हुए अपना रूरल हेरिटेज बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हमारे लिए लाया है आई लव जैसलमेर फाउंडेशन में इन डाइन विद जैसलमेर। हम हैं सियालों के बस्ती में, एक ऐसा छोटा सा गांव जो 45 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमें कुछ लोकल स्वादिष्ट खाना देने वाले, और देखते क्या क्या मिलता है। बट आई एम श्योर एक्साइटेड फॉर दिस एक्सपीरियंस। ट्रेडिशनल स्वागत के बाद वी वर सर्व्ड ऑथेंटिक लोकल क्विजीन, बाजरे की रोटी, खीर सांगरी, टिंडे की सब्जी और स्वीट में बाजरा चूरमा। द मील वाज सो हैवी दैट फिनिशिंग वन बाजरा रोटी गॉट डिफिकल्ट, बट गिवन दैट द प्रेडोमिनेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द रीजन इज एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग, इट इज अ परफेक्ट मील फॉर देम ऑल।
sumptuous meal, we got back to the city and the day ended on a musical note. जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है कुलधारा गांव। एक जमाने में दिस विलेज वाज इनहेबिटेड बाय द वेल्दी पालवाल ब्राह्मण्स, बट ड्यू टू द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द पावरफुल मिनिस्टर ऑफ जैसलमेर सलीम सिंह, दे वर फोर्स्ड टू लीव द विलेज एंड इट हैज सिंस रिमेंड अबैंडन्ड। कुछ लोगों का मानना है कि दीज ब्राह्मण्स कर्स्ड द विलेज बिफोर दे लेफ्ट एंड सो इट रिमेन्स इन रुइंस इवन टुडे। कुलधारा से बस 20 मिनट की दूरी पर है खाबा फोर्ट। वंस अ पार्ट ऑफ कुलधारा, खाबा इज अनदर विलेज व्हिच रिमेन्स डिजर्टेड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। खाबा फोर्ट एक टाइम पे सराय फोर्ट था, जहां सिल्क रूट से जाने वाले सभी व्यापारियों को एक रात रुकना पड़ता था और अगले दिन टैक्स भरकर ही उन्हें आगे जाने मिलता था। पीपल बिलीव दैट बोथ दीज प्लेसेस आर कर्स्ड एंड दस हॉन्टेड। अब हॉन्टेड या ना हॉन्टेड, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड, बट दिस प्लेस डेफिनेटली हैज अ स्टोरी टू टेल। गड़ीसर लेक जैसलमेर के पहले महाराजा राजा रावल जैसल ने बनवाया था। इसके घाटों पे बहुत सुंदर मंदिरों की स्थापना भी की गई थी, जो आज भी है। एक टाइम पे ये जो लेक है, इसका पानी पूरे जैसलमेर को पानी देता था। बट आज की बात अलग है। आज एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। आप यहाँ पे आके बोटिंग कर सकते हो और घंटों तक पानी में पैर डाल के भी बैठ सकते हो। Now when the entire city was so majestically built with lakes, living fort, temples, havelis, there was also a huge garden built for recreation and entertainment of the royals. Once a dam, it was later converted into a garden with beautiful chhatris built for different maharajas throughout their ruling period. वैसे तो पूरा जैसलमेर इज अ डेजर्ट एरिया, बट सैंड ड्यून्स यू विल फाइंड ईदर एट खूरी और सम, एंड वी आर हियर टू फाइनली एक्सपीरियंस व्हाट जैसलमेर इज ट्रूली नोन फॉर। जैसलमेर आए और ऊंट पे ना बैठे तो क्या खाक जैसलमेर आए? हमारा स्वर्ण नगरी का सफर खत्म होता है इस सुनहरे सनसेट के साथ। मिलेंगे किसी और शहर में। आप देखते रहिए कर्ली टेल्स फॉर मोस्ट सच वीडियोस। तब तक के लिए खम्मा घणी।